بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم. ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सबको बहुत सारा खुश आमदगी. प्रीवियस मेरी वीडियोस में से एक वीडियो है कारवाने नफ्सियात पर जो मैंने बनाई है, तो आप सब लोगों ने वो बहुत ज़्यादा पसंद किया और बहुत सारे व्यूज़ हैं उस पर. तो उसका जो अपडेटेड वर्जन है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. बुक जो है वो अपडेट हो गई है. कारवाने नफ्सियात आप देख लें, ये साल जो हारम की है और सिर्फ फोर्थ ईयर की जो है वो अपडेट हुई है. उसके अलावा जो साल स्वयं की है वो अपडेट नहीं हुई है. ठीक है, तो आपने अगर साल जहारम का लेना है ये एडिशन, तो आप लेंगे साल जहारम का ही लेंगे. ठीक है, साल स्वयं का जो है वो पुराना एडिशन है. तो इसमें आपको मैं ये भी सब साथ साथ बताती चलूँ कि ये प्रोफेसर हामिद खलील और प्रोफेसर रफशंदा शहनाज, ये आप नाम देख सकते हैं ऊपर. ठीक है, और ये न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग है, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो न्यू जदीद कोर्स है उसके अकॉर्डिंग ये बुक जो है वो सेट की गई है. तो बच्चे मुझसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि जी हमें पंजाब यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो है वो कोई बुक बताएं, कोई रेकमेंड करें. तो ये बहुत फेमस बुक है. ठीक है, हमने खुद जो है वो स्टडीज़ की थी वो इसी बुक से की थी. बहुत अच्छी और डिटेल में इसमें जो है वो समझाया गया. आपने प्रीवियस जो वीडियो बहुत पसंद किया है, तो मैंने सोचा कि इस जो अपडेट हो गई है बुक, उसको भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें न्यू आने वाले स्टूडेंट्स. तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मौसूल होती रहे. यह है जी इसका फर्स्ट पेज, आप देख सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के नए निसाब. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग को मद्देनजर रख कर लिखी गई एक मेयारी किताब. ठीक है जी, अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इसका कंटेंट पेज, ये हम डिटेल में देखेंगे. सबसे पहले अब आप अव्वल में देख रहे होंगे, सबसे पहले तारुफ का यानी इंट्रोडक्शन जो करवाया जाता है, इब्तदाइया नफ्सियात का दायरा कार, नफ्सियात के इतलाकी शोबों का तारुफ, मौलाजाती नफ्सियात, मौलाजाती नफ्सियात के मकासद, जहनी अमराज, मौलाजाती इंटरव्यू, नफ्सियाती आजमाइश, इलाज, तालीमी नफ्सियात, दायरा कार, मकासद, इम्तहानी तरीक़ाकार, खसूसी तालीम, समाजी नफ्सियात, सनती नफ्सियात, माहिर सनती नफ्सियात की जिम्मेदारियाँ, अस्करी नफ्सियात, रहनुमाई और मशावरत, तालीमी मशावरत, नमूनी नफ्सियात, नशनुमा के पहलू, नशनुमा के मदारज और इम्तहानी सवाल, यानी कि जो क्वेश्चंस इम्तहान में आ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सेट करके आपको दिए हुए हैं. एंड में हर चैप्टर के एंड पे मिलेंगे आपको. तो ये बुक जो है वो स्पेसिफिकली पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये आपने बात ध्यान में रखनी है. जो स्टूडेंट्स साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं, चाहे वो अप्लाइड साइकोलॉजी के हैं, चाहे वो सिंपल साइकोलॉजी के हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी के हैं, ये बुक जो है वो सब टाइप के स्टूडेंट्स जो साइकोलॉजी से रिलेटेड उनके काम आती है. ठीक है, आपके पास ये बुक लाजमी होनी चाहिए उर्दू में. ठीक है, जितनी भी बुक्स मैंने आपके साथ रिव्यूज़ शेयर किए हैं वो बहुत मुफीद है. ठीक है, पीपीएससी की तैयारी के लिए भी और वैसे भी थ्रू आउट अगर आप ये प्रोफेशन साथ लेके चलना चाहते हैं तो आपकी ये बुक्स जो है वो बहुत काम आती है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है. तो चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास बाब दोइम है मौलाजाती नफ्सियात का. ठीक है, तारुफ है, इंट्रोडक्शन, मकसद, मौलाजाती नफ्सियात का किरदार और दायरा अमल, मौलाजाती नफ्सियात की मुख्तसर तारीख, यूनानी दौर है, वस्ती दौर है, यूरोप और वस्ती दौर, निशात सानिया है, इब्तदाई शफाखाने यानी कि जो सबसे पहले शफाखाने तैयार किए गए थे साइकोपैथोलॉजी के, उसका उन्होंने बताया हुआ है. अमेरिका में इस्लाही तहरीक जो तहरीक चली थी इस्लाह के लिए अमेरिका में, उसके बारे में बताया हुआ है. मौलाजाती नफ्सियात के तनाजर नज़रियात यानी कि जो भी है बैकग्राउंड उनका, हयातियाती नुक्ता नज़र है, फिर नफ्सी हक की नुक्ता नज़र जिसको साइकोनालिसिस बोलते हैं, किरदारी नुक्ता नज़र है, बिहेवियरल नुक्ता नज़र जो है, समाजी वकूफ़ी नुक्ता नज़र है, फिर वकूफ़ी नुक्ता नज़र अकेला, फिर इंसानियत पसंदाना नुक्ता नज़र जिसको ह्यूमन ह्यूमनिस्टिक बोला जाता है नुक्ता नज़र, मौलाजाती जायज़ा और तशखीस, तशखीस के मराहल, तशखीस के तरीके, इंटरव्यू करना, नफ्सियाती आजमाइशें, शख्सियत की आजमाइशें. नेक्स्ट हम चलते हैं कंटेंट पेज जो हमारे पास है, थोड़ा सा क्लोज कर दूँ. ज़ाती जायज़े की फहरिस्तें हैं यानी 16 अंसरी सवालनामा 16 PF जिसको बोला जाता है, कसी रुखी जायज़ा शख्सियत, कैलिफोर्निया की नफ्सियत आजमाइश, एडवर्ड की ज़ाती रुझान की आजमाइश, शख्सियत की पैमाइश के तजलीली तरीके, दास्तानी अदराक की आजमाइश, बच्चों की तजुर्बी अदराक की आजमाइश, रॉटर्स की फ़िक्रात की तकमील की आजमाइश, फिर लफ्जी तलाजुम की आजमाइश, फिर रोशा की स्याही के धब्बों की आजमाइश, हॉल्समैन की आजमाइश, तस्वीरी आजमाइश, मौलाजाती मुदाखलत, नफ्सियाती तरीका इलाज के मकासद, तहलील नफ्सी यानी साइकोनालिसिस, ये अलग से उन्होंने दिए हुए हैं डिटेल में ताकि जो आपको डिटेल में आता होता है क्वेश्चन
उसके अकॉर्डिंग आप रेडी कर सकते हैं। तरह नफसी, किरदारी तरीका इलाज, आसूदगी या इस्तराहियत की तरबियत, ऐदाम तहसीस, नाबूदगी के तरीके, इम्प्लोजिव तरीका, तोहयानी का तरीका, नाकस रद्दमल रोकने का तरीका, शिकन सीढ़ी का तकनीक, वाजह और मुस्बत महारतों की तकनीक, मॉडलिंग का तरीका, क्राफ्ट का तरीका। इसके अलावा हमारे पास किरदारी तश्कील का तरीका, अलामती किफ़ायत, फिर वक्ती लहदगी, किरदारी तरीका इलाज का जायज़ा, वकूफ़ी किरदारी तरीका इलाज, अकली जज्बाती किरदारी तरीका इलाज, मोकल मरकज़ तरीका इलाज, जिसको क्लाइंट सेंटर थेरेपी भी बोला जाता है, पाकिस्तान और दुनिया में मालजाती नफसियात का दर्जा, ये आपको हर चैप्टर में पाकिस्तान के अकॉर्डिंग जो है वो हर चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। फिर है बाब सोइन, मुशावरती नफसियात, ये डिटेल में मैं आपको इसलिए सारा बता रही हूँ कि जो अदर देन पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें बहुत आपको मिलेगा मटेरियल, तो वो भी इसमें चेक कर लें, अगर उनके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इसमें आ रहे हैं तो वो भी ये बुक ज़रूर लें। अदरवाइज़ ये बुक बहुत अच्छी है, ठीक है, और इसमें अपडेट किया गया, आपको पुराना वर्जन चाहिए हो तो वो भी आप ले सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो मालूमात है वो ऑथेंटिक है। मुशावरती नफसियात हम देख रहे थे, तारुफ़ है, रहनुमाई, मशावरती खसूसियत, मकासद, मुशावरती माहिर नफसियात का किरदार, पेशावराना मशावरत, मशावरत के तनाजर, तहरीर नफसी नुक़्ता नज़र, वकूफ़ी किरदारी नुक़्ता नज़र, एहसासाती तनाजर, किरदारी नुक़्ता नज़र, वकूफ़ी तनाजर, मशावरती नफसियात की मुख्तसर तारीख, कानून साजी, डेरिस, पहली जंग अज़ीम, कार्ल रॉजर्स, दूसरी जंग अज़ीम, किरदारी नज़रियात का इतलाक, जांच या जायज़ा, इब्तदाई जांच, गैर आजमाइशी तरीके, या आजमाइशी तरीके, अकली जज्बाती किरदारी तरीका, मशावरती मुदाखलत, तहरीर नफसी, किरदारी तरीका, मशावरत, एहसासाती मशावरती तरीका, ग्रूही मशावरत, मशावरती नफसियात का दुनिया और पाकिस्तान में मुकाम, ये आपको हर चैप्टर से रिलेटेड आपको ये पाकिस्तान के अकॉर्डिंग मिलेगा। फिर है बाब चहारम, सनती और इंतजामी नफसियात, जिसको ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर है। इसमें है जी सबसे पहले तारीफ, डेफिनेशन जिसको बोला जाता है, फिर है मकसद और दायरा कार, सनती और इंतजामी माह नफसियात की खदमात, फिर है मुख्तसर तारीख यानी इनकी हिस्ट्री क्या है, फिर है वॉल्टर डिल स्कॉट, फ्रेडरिक टेलर, वेबर, मिंस्टरबर्ग, आलमी जंगों के दरमियान का दौर, अल्टन म्यू, फिर है कर्ट लीवन, वैक्सलर, महारत का दौर, अमूमी हकूक की तहरीक, 21वीं सदी, तखमीन कारी और जांच, नफसियाती मदाखलत, दुनिया में सनती और इंतजामी नफसियात का मुकाम, सनती और इंतजामी नफसियात का पाकिस्तान में मुकाम, फिर है इम्तहानी सवाल इसके अकॉर्डिंग। बाब पंजम है नेक्स्ट, नशोनुमा की नफसियात, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, नशोनुमा की नफसियात, तारुफ, बालीदगी, फिर है मकसद, दायरा अमल, मुख्तसर तारीख, बालीदगी जो है वो मैचोरेशन को बोलते हैं, ठीक है, मकसद, फिर दायरा अमल, मुख्तसर तारीख है इसकी, फिर अल्फ्रेड बीने, उन्होंने सबसे पहले ये काम किया था डेवलपमेंट पे, फिर है बाल्डून, आर्नल्ड गैसल, मार्टल मैकग्रा, जीन प्याजे, जीन प्याजे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाइगोस्की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जॉन बॉल्बा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिर है नशनुमा के बाएं नफसियात का किरदार, नमोई नफसियात के तनाजर, तहरीर नफसी का नमोई तनाजर। अब जिन पे मैंने लेड पेंसिल के साथ वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, अगर आप निशान लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे मैंने टॉपिक्स पे लगाया हुआ है, ठीक है, और जो पूरे के पूरे बाब पे जैसे कि आप इस पे देख रहे हैं लगा हुआ है, तो ये ऑलमोस्ट 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी, इनकी लाजमी तैयारी करनी है, इनमें से क्वेश्चन लाजमी आता है। नेक्स्ट पेज पर हमारे पास है एरिक्सन का नफ्स समाजी नज़रिया, किरदारी, नमोई तनाजर, बेंडूरा का समाजी वकूफ़ी नज़रिया, बेंडूरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वकूफ़ी तनाजर है, प्याजे का वकूफ़ी नशोनुमा का नज़रिया, वैगोस्की का समाजी काफ़ी वकूफ़ी नज़रिया, मालूमात की तजदीद का नज़रिया, तकाबली या नस्लियाती नज़रिया, माहौलियाती नज़रिया, तखमीन कारी, नमोई नफसियात में मामूली मदाखलत, नशोनुमा के संग नील, दुनिया और पाकिस्तान में नमोई नफसियात का रुतबा, फिर है इम्तहानी सवालात। बाब शिशम है, छठा बाब आ जाता है, सेहत की नफसियात यानी हेल्थ साइकोलॉजी, तारीफ उसकी आ जाएगी, सेहतमंद किरदार, मकसद, दायरा अमल, सेहत के माहिर नफसियात का किरदार, मुख्तसर तारीख, यूनान और रूमी तिब, गैर मगरबी तिब, वस्ती दौर, अहियाए उलूम, किरदारी माहरीन, नफसी अजवियाती तिब, किरदारी तिब, नफसियात सेहत का मॉडल, हयातियाती तिबी मॉडल, हयातियाती नफसी समाजी मॉडल, सेहत के एतकाद का मॉडल, मुनज़्ज़म किरदार का नज़रिया, मरहला अफवाह तब्दीली का नज़रिया, बीमारी के एतकाद का मॉडल, तखमीन कारी, मुदाखलत, समाजी तायद, खुद तनवीमी तरीका, बायो फीडबैक, पाकिस्तान में नफसियात सेहत का रुतबा, दुनिया में नफसियात सेहत का रुतबा, ठीक है जी, इम्तहानी सवाल एंड पे। फिर है बाब हफ्तम, सातवां बाब आ जाता है, स्कूल और तालीम की नफसियात, ठीक है, स्कूल साइकोलॉजी, तारुफ, माहीत, मकसद, दायरा का, स्कूल की नफसियात, स्कूल माह नफसियात का किरदार, मुख्तसर तारीख, विलियम जेम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहनी आजमाइशें, यस, थॉर्नडाइक, जॉन डेरी, स्कूल नफसियात का आगाज़, स्कूल नफसियात के तनाजर, किरदारी तनाजर, समाजी नॉलेज का नज़रिया, वकूफ़ी तनाजर, नज़रिया स्कीमा, तालीमी नुक्ता नज़र, इंसानी पसंदाना तनाजर, नमूनी नुक्ता नज़र, गेस्टॉट या तश्कीली तनाजर, तखमीन कारी, मुदाखलत के मामला, तालीमी नफसियात का दुनिया पाकिस्तान में मुकाम, इम्तहानी सवाल।
नेक्स्ट हमारे पास है बाब हशतम, वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे का पूरा बाब बहुत इंपॉर्टेंट है। समाजी नफ्सियात यानी सोशल साइकोलॉजी, तारुफ है, समाजी तामुल है, ग्रोह और इसके एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट, बुनियादी ग्रोह, सानी ग्रोह, अंदरून ग्रोह, बैरून ग्रोह, रस्मी ग्रोह, गैर रस्मी ग्रोह, मकामी ग्रोह, गैर मुस्तकिल ग्रोह, हवाला ग्रोह, ठीक है जी। फिर है रवैया जिसको एटीट्यूड बोलते हैं, रवैये की खसूसियात है, रवैये के अनासर, रवैयों की तश्कील, रवैयों के वज़ाइफ, रवैयों की पैमाइश, बातें तरीके। फिर रवैयों के शरी पैमाने वेरी इंपॉर्टेंट, बोगार्डस का समाजी कदम बात का पैमाना, गट मैन का मजमू स्केल, मसावी वक्फों का पैमाना, मजमू शरह का पैमाना, मुआवनी इम्तियाज का पैमाना, तासुब खसूसियात, जामिया तारीफ, तासुब की वजूहत, तासुब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तासुब आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, और क़यादत लीडरशिप पूरे का पूरा जो बाब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तासुब खसूसियात, जामिया तारीफ, तासुब की वजूहत, तासुब के फ़वाद, तासुब के नुकसान, तासुब के खात्मे की तदाबीर, जामद रवैये या तसव्वुरात, क़यादत। फिर है कौम के समाजी क़ुव्वत, फिर है क़ुव्वत की समाजी बुनियादी। इसके बाद हमारे पास है कायद का ज़हूर, कायद के फ़राइज़, क़यादत की इकसाम, कायद के औसाफ, क़यादत के नज़रियात, कायद बतौर अजीम शख्स, बाहरी तामल पर मबनी नज़रिया, क़यादत मकसदी राह मुतय्यन करने वाली क़यादत, क़यादत का माहौली नज़रिया, तकरीराती क़यादत का नज़रिया, ज़राए इब्लाग, इब्लाग की सूरतें, इब्लागनामा, बद की ज़राए, रेडियो, टेलीविजन, फिल्में, VCR, इंटरनेट, मतवाती ज़राए, अखबार, रसाइल, कुतुब, इम्तहानी सवाल, ठीक है। नेक्स्ट है खेल की नफ्सियात, बाब नहम में नौवां हमारे पास जो बाब है ये है प्लेइंग साइकोलॉजी। फिर है तारीफ, मकसद और दायरा काम, कामयाब जज्बाती कैफियात, तारीफ की जायजा, खेलों के बाद नफ्सियाती किरदार, नफ्सियाती खेल के तनाजर, नाकस कारकर्दगी के अवामल, मंतकी नुकता नजर, जांच, नफसियाती दबाव, नफसियाती मदाखलत, जोश बढ़ाने की तदाबीर, वकूफी किरदारी, मदाखलती प्रोग्राम, तनवीम जिसको मैसमरिज्म बोलते हैं, तनवीम उसको कहते हैं, ठीक है। नफसियाती तरीकों और नफसियाती महारतों में फ़र्क, नफसियाती महारतों की आजमाइश, नफसियाती महारतों की तरबियत का प्रोग्राम, अखलाकी ज़ाबते, वर्जिश की नफसियात, वर्जिश की नफसियाती फ़वाद, खेलों की नफसियात पाकिस्तान में रुतबा, खेलों की नफसियाती दुनिया में रुतबा, ठीक है। इम्तिहानी सवाल एंड पे। इसके बाद हमारे पास है बाब दहम, दसवां बाब है जी, अदालती नफसियात, तारीफ, मकसद और दायराकार, कवानीन, वकला और जज हजरात का मौक़, फॉरेंसिक नफसियात की मुख्तसर, तारीख, अदालती माह नफसियात का किरदार, फॉरेंसिक माह नफसियात का लाहे अमल, जाँच और जायजा, इंतखाब में मावज़ करने वाले ज़राए, इनवैलिड पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, नफसियाती मदाखलत या सालसी, पाकिस्तान और दुनिया में अदालती नफसियात का रुतबा, इम्तिहानी सवाल। अब इसमें जो बाब नहम है, बाब दहम है, ये न्यू एड किए गए। इसके बाद है बाब याजदा, यानी कि 11वां बाब है नफसियात के उभरते शोबे, अस्करी नफसियात, अस्करी नफसियात का किरदार, ऑपरेशनल नफसियात, जंगी चालों या हिकमत अमली नफसियात, ये भी न्यू चैप्टर है जो ऐड किया गया है। सेहत इंतजाम और पेशावरान नफसियात, माहौली नफसियात, माहौली नफसियात का आगाज़, किरदार और साफी माहौल, तहफ़ नफसियात, माहौलियाती नफसियात, अमन की नफसियात, खुसूसी मकासद, जंग और तशद्दुद के असरात, मुस्बत नफसियात, पॉजिटिव साइकोलॉजी, माहीत, मुख्तसर तारीख, तवानाई, VIA क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ, मॉडर्न स्लैग मैन का नजरिया, खुशबाशी, जज्बाती जहानत, खुशी, ज़ाती आफियत, मयार ज़िंदगी और इम्तिहानी सवालात एंड पे। तो ये था जी कंटेंट पेज सारे, आई होप कि आपने टैली कर लिया होगा अपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी वालों के लिए, तो स्पेसिफिक यही बुक है, ठीक है, क्योंकि उनके कोर्स के अकॉर्डिंग है। और जो दीगर हजरात हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो भी ये बुक लें, दिस इज़ नॉट पेड वीडियो, ठीक है। और ये मेरी आपके लिए पर्सनल कोशिश है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ स्टूडेंट्स की जितनी हो सकती है, ठीक है। तो आपने प्रीवियस वीडियो जो है वो बहुत लाइक की थी, तो मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं, तो इसका जो अपडेटेड वर्जन है बुक का वो आ चुका है और आप उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट ये है जी पहला बाब, आप देख सकते हैं इब्तदाइया, इसमें इंट्रोडक्शन जो है वो दिया होता है, नफसियात का दायरा कार है, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी जिसको बोला जाता है, इसको साथ में आप इंग्लिश में अगर आप इसको याद करेंगे उनके हेडिंग्स को, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा नेक्स्ट आगे चल के भी स्टडीज़ के लिए, ठीक है। MSc के स्टूडेंट्स और दीगर जो भी साइकोलॉजी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, उनके पास बुक्स लाजमी होनी चाहिए, बहुत अच्छी बुक्स हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ अप्लाइड एरियाज ऑफ साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है, गोल्स ईच एंड एवरीथिंग इसमें आपको मिलेगी। ये आप देख सकते हैं ट्रीटमेंट, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, ग्रुप साइकोथेरेपी, यानी साइकोथेरेपी के बारे में सारा कुछ आपको इसमें बताया गया है कि कौन कौन से टाइप्स की साइकोथेरेपी होती है, डायरेक्टिव साइकोथेरेपी, नॉन डायरेक्टिव साइकोथेरेपी, ठीक है। उसमें फिर आपको उन्होंने फर्दर बताया हुआ है साइकोनालिसिस, बिहेवियर थेरेपी, गेस्टाल्ट थेरेपी, क्लाइंट सेंटर्ड, रैशनल इमोटिव, साइकोड्रामा, कॉग्निटिव बिहेवियर एंड रीडिंग थेरेपी, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी नेक्स्ट स्टार्ट हो जाती है, इनके हर चीज़ के बारे में उन्होंने आपको डिटेल में जो है वो बताया हुआ है। समाजी नफ्सियात, सोशल साइकोलॉजी है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, मैं गर्मी में बैठ के आपके लिए वीडियो जो है वो बना रही हूँ, लेकिन आप बच्चे जो है ना वो वीडियो को लाइक बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। अस्करी नफ्सियात आ गई, रहनुमाई और मुशावरत, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ये
ये था जो पहला चैप्टर, फिर है क्लिनिकल साइकोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। या देख सकते हैं 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स, 16 पीएफ। ये साइकोथेरेपीज जो है REBT, ठीक है। इसके अलावा पर्सपेक्टिव्स, मेजर काउंसलिंग अप्रोचेस, मुशावरत नफ्सियात का दुनिया और पाकिस्तान में मुकाम। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास सनअती और इंतजामी नफ्सियात, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। असेसमेंट, असेसमेंट के बारे में बताया गया है। इसके बाद इंटरवेंशन है, नशोमक नफ्सियात, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, डेवलपमेंट से रिलेटेड जो माहिर नफ्सियात हैं उनका किरदार, ये पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है। असेसमेंट तखमीन कारी इसको बोला गया था, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, ठीक है। फिर इसमें भी आ जाता है इंटरवेंशन से रिलेटेड स्कूल एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, ब्रीफ हिस्ट्री, थिंकर्स आपको इसमें ज़रूर मिलेंगे। हर चीज़, हर चैप्टर में थिंकर्स जो हैं वो लाजमी है। आपने सबका काम जो है वो ध्यान में रखना है कि किसने क्या काम किया। सोशल साइकोलॉजी, तासुब की वजह, कॉजेज ऑफ प्रेजुडाइस, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। प्रेजुडाइस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लीडरशिप, इनमें से लाजमी इस चैप्टर में से जो है वो क्वेश्चन जो है वो लाजमी आ जाते हैं। इमरजेंस ऑफ लीडर, फंक्शन ऑफ लीडर, क्यादत की इकसाम है, क्यादत की इकसाम जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जो है वो मस्ट आ जाता है। फिर फाइव के औसाम, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरीज ऑफ लीडरशिप है, ये पूरे का पूरा चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। खेलों के माहिर नफ्सियात, एंड पे आपको इस तरह ये हर चैप्टर के एंड पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि पेपर्स में आपको आते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं बीए के पार्ट 3 पार्ट 4, उनके पास ये बुक्स लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। उन्होंने पैटर्न भी बताया होगा क्वेश्चन का कि कैसे आते हैं। ये आप देख सकते हैं लास्ट पे क्वेश्चन जो है कैसे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये थी जी बुक, आई होप यू लाइक द वीडियो, और प्लीज़ 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 काइंडली आपने वीडियो को जो है वो ज़रूर लाइक करना है, और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि बुक आपको कैसी लगी, और जिनके पास ऑलरेडी है वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि दीगर जो बच्चे हैं उनको हेल्प हो सके। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।